वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरी से होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं बहरिया टाउन काम करने के लिए। आज बहुत जरूरी काम है, बहरिया टाउन फेस 8 बिल्कुल। और खाला के घर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बैठ तैयार होंगे। ये मीरू ने सारा करना है आज, ठीक है मीरू? या तो गाइस बेड शेड सारे तैयार हो गए हैं, कंप्लीट हो गया है एंड हो गया घर का, ठीक है? एंड हो गया। तो भी हम वापस जाते हैं, आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बेड बहुत खूबसूरत बने, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने हैं। अब वहाँ पे निकलते हैं क्योंकि दानिश भी हम तीनों आज जा रहे हैं। हमजा आज नहीं हमारे साथ, तो दानिश आया है, तो मोटरसाइकिल भी हमारा वहाँ पे पंचर हो गया, तो उसकी वजह से जाना पड़ गया। मेरी बात सुने, शुक्र हमजा नहीं, हमजा होता है तो माया से खवारी रोजाना। और ज्यादा बकवास मत कर। तो गाइस अभी निकलते हैं, वहाँ पर जाकर आपको मिलते हैं और आपको बेड शेड दिखाते हैं, घर की जो सेटिंग की है हमने बहुत क्लास की। तो गाइस अभी हम यहाँ पर आए हैं सामान लेने के लिए, ठीक है? थोड़ा सा रह गया था क्योंकि आपको पता कल बारिश हो गई थी, इसकी वजह से हमने सामान यहाँ पे रख दिया था। तो अभी वहाँ से यहाँ से सामान लेते हैं, तो फिर बहरिया के लिए निकलते हैं क्योंकि जो कीमती सामान है ना वो इधर टायर शॉप पे है, क्योंकि परसों बारिश हो गई थी ना, उसकी वजह से हमें मजबूरन यहाँ पे रखना पड़ गया। तो अब यहाँ से सामान लेंगे तो फिर हम निकलेंगे बहरिया वाली साइड। ये सामान हमारा बहुत कीमती, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं है ना वहाँ पे। ये दो दिन हो गए यहाँ पे पड़ा है, कल जो बारिश हुई है ना यार, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेज़ बारिश हुई है और हम दो घंटे इधर बैठे रहे और बिल्कुल मैं कहता हूँ मतलब कि 3 बजे का टाइम था और ऐसे लग रहा था रात हुई भी है। कैसा लगा मेरा मजाक? देख रहे हैं सॉरी डिफेंस यूनिवर्सिटी हमारे पीछे बैक साइड पे, और अभी हम ये चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बस पहुंचने ही वाले हैं। तो गाइस अभी हम अपने चौक पे पहुंच गए हैं, थक गए थे ज़रा और अभी पानी भी पीना है ज़रा, अभी वहाँ बहुत आज ना धूप ने बड़ा हमें ख़राब किया सर के ऊपर और सर में दर्द होने शुरू हो गया। अगला चौक आ गया ना। तो गाइस ये डॉल्फिन चौक है, ठीक है? ये मतलब के हमारे ये चौक क्रॉस करके ना अगला मतलब के हमारी साइट शुरू हो जाती है, ठीक है? तो अभी मीरू पीछे से पानी लेने गया है, तो वहाँ पर तो हमें गर्म पानी मिलेगा। आज मैंने सोचा क्यों नहीं ठंडा पानी। भाई हम पहुँच गए हैं, और ये बैक साइड पे घर है और ये न्यू तैयार हो रहा है घर। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ये हमारे सुहेल भाई, बहुत अच्छे नाइस पर्सन है यार। और मीरू को देखें ज़रा, या वेल डन, तरक्की करोगे आगे बहुत इंशाल्लाह। तो अभी अंदर चलते हैं गाइस, आपको बेड वगैरह दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, तो आप बैक एंड गाइस अभी अंदर जा रहे हैं। क्या हाल है सेल भाई, ठीक हो? वैसे भी आधा ये सामान पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरी से पहुंच गए, ठीक है? जिस तरह हम आया तो वो हमें पता, बस बिल्कुल आपको नहीं पता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी। अब हम जरा सा काम में वो करके इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमारा एक बाइक खड़ा 125 बार, वो दो तीन दिन से इधर ही है। वो जरा इसको बताइए क्या हुआ था हमारे साथ इनको। वो जरा उसपे जरा वजन ज्यादा बहुत हो गया था 3 बंदों का, तो वो टायर ना ट्यूब फायरिंग हो गई है, पंचर हो गए बार बार हो गए। तो फिर वो लास्ट टाइम हम जब आए थे ना तो लेट बहुत हो गए थे हम, ठीक है? तो फिर हमने कहा यार हम क्रीम करवाते, क्रीम करवाई, फिर हम बाइक इधर छोड़ के 125 मेरे वाला फिर हम साथ ले गए। तो हम कल आ रहे थे तो बारिश बहुत थी, तो फिर हम आधे रास्ते से वापस। तो गाइस आपने तो पूरे घर का विजिट किया है, ठीक है? ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ हमारे व्लॉग पे जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आ रहा है वो, तो जाकर देखें व्लॉग को,
घर पूरे बताते हो कि पूरे घर की मैंने ब्लॉग बनाया था और अभी हम ये इस रूम में आए हैं क्योंकि ये रेडी है, ये तैयार है रूम, ये बेड तैयार है, ये मैट्रेस पड़े हुए हैं और एक इधर शायद है। तो अभी दूसरे कमरे में चलते हैं, आपको दूसरे कमरे वाला बेड दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये दूसरे रूम का बेड है, ठीक है, देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है यार, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसका डिज़ाइन ही बहुत अच्छा है यार। आप कमरे से उधर से बाहर से एंटर होंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है बेड। तो गाइस अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ, ये देखिए ये किचन है, मेन एंटर होते साथ ही इसका किचन है और ये साथ सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, ठीक है, नीचे जाके भी अभी आपको बेड दिखाते हैं जो नीचे अभी। और ये किचन है माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है, ये न्यू डिज़ाइन फ्रिज, ये देखें बहुत ठंडा हुआ है। तो ये दूसरी साइड है मल्टी फ्लोर, अब हम नीचे आ गए हैं और आपको नीचे वाले रूम पे लेके जाता हूँ। तो गाइस ये रहा बेड, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, ये साइड टेबलें, ये ड्रेसिंग और ये बेड, माशाल्लाह ये भी तैयार होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसके ऊपर मैट्रेस लगेंगे ना तो और खूबसूरत इसकी और लुक निकलेगी, तो माशाल्लाह अभी भी बहुत प्यारा लग रहा है। वीरू कैसा लग रहा है आपको? बहुत प्यारा है। तो ये मेरे मामू ने तैयार किया है सारा में फर्नीचर, प्रेशी फर्नीचर बिल्कुल। अगर आपने ऐसे बेड्स बनाने हो तो प्लीज़ हमारे से कांटेक्ट करना और हम चलते हैं अब दूसरे रूम में। तो ये आपने बेडरूम देखा होगा, ये बेड वो ये पुराना वाला जो मैंने आपको दिखाया। गाइस बहुत मेहनत लग रही और मीट साहिब लगे हुए हैं काटने में, मैं इन बच्चों को निशान लगा के दे रहा हूँ और हम तीनों लगे हुए। गाइस बहुत थक गए हैं आधी चिलास ला के और अब हम गद्दे लेने जा रहे हैं, गद्दे रखने हैं इसके ऊपर। अब गद्दे लेके जाते हैं नीचे, ये कौन उठाएगा यार इतना वजनी है, बेड वगैरह डाल दिए हमने। तो अब आपको दिखाते हैं जो हमारा 1-5 है, वो टायर पंचर हो गया था उसका तो वो ये खड़ा है। तो गाइस काम किया है, थोड़ा सा बोलना नहीं चाह रहा फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बाइक खड़ा है अभी, इसका पंचर भी लगवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम छोड़ गए थे, फिर हम क्रीम करवा के घर गए थे, तो अभी पंचर लगवाते हैं इसका भी, फिर हम घर पहुँचेंगे। तो गाइस जो काम के लिए आए थे वो कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे सुहेल भाई लुक आफ्टर करते हैं घर को। और सुहेल भाई कैसे हैं? ठीक है। तो बहुत अच्छे यार, नाइस पर्सन है, इनसे हमारा भाइयों की तरह ही, बिल्कुल भाइयों की तरह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, कीप सपोर्टिंग एंड अल्लाह हाफिज़।